हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दोस्ती किसी वजह से या मकसद के लिए नहीं की जाती, मगर जब ये हो जाती है तो जिंदगी का मकसद और जीने की वजह बन जाती है। दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समुंदर जितना दिल हो। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी इसे मिटा दे, और दोस्त के एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई इसे मिटा ना सके। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाए। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। उन लोगों को खोने से डरो जिनके नज़दीक दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा अजीज होते हैं। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी तीन बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में प्यार और तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। अगर दोस्ती तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है। आपने फरमाया, वो जिसके दोस्त मुखलिस हों। अच्छा दोस्त चाहे कितना ही बुरा बन जाए, कभी इससे दोस्ती मत तोड़ो, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो जाए, आग बुझाने के काम जरूर आता है। जिस महफिल में तुम्हारे दोस्त की कदर ना हो तो बेहतर है या महफिल छोड़ दो या दोस्ती। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और फिर भी साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। दोस्ती करना इतना आसान है कि जैसे मट्टी से मट्टी पर लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर लिखना। किसी दोस्त को धोखा देकर ये मत समझना कि वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचना कि उसको आप पर कितना एतबार था। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। सिर्फ पैसे का होना रिजक नहीं, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिजक में शामिल होते हैं।